के हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर डिफरेंशिएशन पोर्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि डिफरेंशिएशन में कुछ और भी क्वेश्चन है उसको लिया जाए, तो एक क्वेश्चन उसी में से है। ए बैलून इज बीइंग फिल्ड विथ एयर सो दैट इट्स वॉल्यूम भी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जब एयर फिल्डअप हो रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। एक बात समझने वाली बात है कि जो हमको निकालना क्या, इंक्रीज द रेट ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, इसका मतलब है डी वी बाई डी आर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ये मांग रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। सर, अगर इंक्रीज यहाँ डिक्रीज रहता, वो ऑटोमेटिक्स का जो वैल्यू है वही बताएगा कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। आपको एक बात की जानकारी है कि कैसा है ये बीइंग एक बैलून, तो ये मान लेते हैं कि बैलून जो है वो कंप्लीट स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है और स्फीयर का वॉल्यूम आपको मालूम है कि जो वॉल्यूम होती है इसकी वो होती है 4/3 πr³। इतना मालूम है, ये दिया हुआ नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना कि इसका वॉल्यूम होता कितना है। देखिए डी वी बाई डी आर, मेरा वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि रेट ऑफ चेंज, इंक्रीज नहीं करें हम, यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन बनाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ टू जस्ट सॉल्व द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट मस्ट बी क्लियर। तो डी वी बाई डी आर, तो हम लोग देखेंगे चेंज, तो इसका वैल्यू हम लोग देते हैं डी अपॉन डी आर, और v जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4/3 πr³, इसको हम लोग इसके अंदर लिए। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको बता ही दिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, तो 4/3 π कीप इट आउट, अंदर में आएगा डी ऑफ आर क्यू अपॉन डी आर। ठीक है, कहते क्या है इसको, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ आर क्यू विथ रेस्पेक्ट टू आर। नाउ सी हियर, दिस बिकम्स 4/3 π, ये तो पता है आपको, फार्मूला बता चुके हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन होता है फार्मूला n(x)(n-1), इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये जो दिया हुआ है। चलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, 3r³-1, ये आ जाएगा मेरा 4/3 π, इधर हो गया आपका मल्टीप्लाइड बाय 3r² कैंसिलिंग 3 3, हो गया आपका 4π r² ये किसका वैल्यू आया, डी वी बाय डी आर। डी वी बाय डी आर का वैल्यू मेरे पास है, फॉर्मूला है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन विच इज मेंशन विथ रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 2 cm, मतलब आर का वैल्यू हमको पुट करना है तो पता चलेगा डी वी बाय डी आर। तो पुट आर इज इक्वल टू 2 cm, जब 2 cm हम लोग पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, ये आ जाता है आपका 4/3 π और इंटू r², दैट मीन्स 2 × 2 = 4। ठीक है, 4 और ये कितना हो जाएगा, 16/3 π। ठीक है, 16/3 π, लेकिन बात आएगी कि सर इसका यूनिट देंगे क्या, ये आपका आंसर हुआ डी बी बाई डी आर इज इक्वल टू 16/3 π। ठीक है, सेंटीमीटर, जरा देख लीजिए वॉल्यूम को अगर हम रेडियस से डिवाइड करते हैं, मतलब वॉल्यूम, तो मेरा ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर होगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सो फार यूनिट इज कंसर्न। अगर यूनिट को हम लोग गौर करें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को एक रेडियस से डिवाइड करेंगे तो उसका जो यूनिट बचेगा वो बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी डिफ्रेंशिएशन पर बेस्ड है कि पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट एज थीटा इज इक्वल टू 3t³/20 − t²/3, वेयर थीटा इन रेडियन एंड टी इन सेकेंड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। हमारे पास सॉल्यूशन देखिए कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है थीटा का, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3t³/20 − t²/3।
फाइंड आउट क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी। आपको बता चुके हैं कि जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो हो जाएगा हमारा ओमेगा से डिनोट करते हैं, आपको मालूम है, और वो आएगा वैल्यू कितना, डी थीटा अपॉन डी टी, ये इसकी वैल्यू होगी। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, दो चीज़ पता करना, पहला नंबर एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डी ऑफ डी टी, थीटा का जो वैल्यू उसको पुट कीजिए, 3t³/20 माइनस t² / 3, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। आपको मालूम है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले इसका करेंगे इसके बाद इसको करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ 3t³/20 और उधर वाला जो पोर्शन है उसको अलग से ले लेंगे, डी बाय डी टी अपॉन t² / 3, ये दूसरा पोर्शन रहा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू यहाँ पर आपको, एन एक्स एन माइनस वन, तो 3/20 तो कांस्टेंट है, इसको ले लीजिए बाहर, चलिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3t², ये इधर का डिफ्रेंशिएशन पूरा हुआ हमारा। नाउ कम टू दिस, ये हो जाएगा आपका 1/3 कांस्टेंट है, जिसको बाहर किए, t² का होता है 2t, ठीक है, 1 × 2t, कहने का मतलब ये मेरा आ गया 9t² / 20 माइनस 2/3t, ये ठीक है, किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा का, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि ओमेगा तो निकालिए लेकिन टी का वैल्यू 5 सेकेंड पुट कीजिए, तो पुट टी इज इक्वल कितना देना है, 5, ठीक है, 5 सेकेंड हम लोग पुट करके देखते हैं कि आखिर ओमेगा का वैल्यू कितना आता है। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 9t², तो 9/20 t² 25 माइनस 2/3 टी का वैल्यू 5, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें, इतना ये और ओमेगा है, यूनिट देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हुई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना रहा ये आपका 2/25/20 माइनस 10/3, ठीक है, इतना रेडियन पर सेकेंड, इतना रेडियन पर सेकेंड। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ रहा है आपका 7.92, सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 7.92, क्या चीज़, रेडियन पर सेकेंड, ये आपका कैलकुलेट हो गया ओमेगा का वैल्यू। दूसरा पार्ट हम लोग निकालेंगे इसके बाद, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, हम समझते हैं इसमें किसी को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है, नोट कीजिए इसको। दूसरा पोर्शन जो रिक्वायर्ड है वो कहता है कि निकालिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, चलिए आते हैं सेकेंड पोर्शन के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये रहा वैल्यू। तो हम लोग के पास ओमेगा तो पता ही है डी बाई डी टी, इसीलिए इसको हमने बोर्ड में छोड़ रखा जिससे ओमेगा का वैल्यू यहाँ से ले पाएँ। ओमेगा का वैल्यू है आपका 9t² / 20, जनरल वैल्यू है माइनस 2t / 3, ये ठीक है, ये किसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको भी ब्रेक करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, तो डी अपॉन डी टी, गौर कीजिएगा, 9/20 t² ये वाला पोर्शन हुआ, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ 2t / 3, इधर आपको मालूम है कि ये हो जाएगा 9/20 × t² / 2t, ये तो डिफ्रेंशिएट हो गया। इधर आते हैं 2/3 कांस्टेंट और टी का वैल्यू dt/dt 1, ये मेरा आ गया कितना आ गया यहाँ से, 2 10 कर लीजिए इसको कैंसिल तो आसान होगा, इज इक्वल टू ये आपका आ गया 9/10 t माइनस 2/3, ठीक है, किसकी वैल्यू, अल्फा, लेकिन फिर वही केस, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो फॉर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जैसे ही 5 सेकेंड इसमें पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10 × 5 - 2/3,
ये क्या होगा यूनिट इसका, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दो 9/2 और माइनस 2/3, इसको सॉल्व करेंगे इतना रेडियन पर सेकेंड हमारा पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा है पर सेकेंड स्क्वायर हमारा, इसका वैल्यू आएगा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 3.83। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 3.83 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन।